अपडेट लेके आ गए हैं वहां 3 दिसंबर की लाइव। हम जानेंगे किसकी क्या जीएमपी चल रही है और साथ साथ जानेंगे किसकी कितनी सब्सक्रिप्शन जो है ऑलरेडी हो चुकी है। सारे सारे आईपीओस के बारे में छोटी छोटी एक टिप्पणी यहाँ पर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो, आपको लग रहा है कि बस मेरा काम इसको देखने से हो जाएगा, तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसको देख सकते हो। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हम स्टार हेल्थ आईपीओ के बारे में, दोस्तों ये जो आईपीओ बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इस आईपीओ ने अपने को फुली सब्सक्राइब भी नहीं दिखाया है, जीएमपी इसकी बिल्कुल गिर चुकी है, कोई भी इसके अंदर ट्रेडिंग करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि जो दोस्तों ये आईपीओ मार्केट में ही नहीं आएगा तो फायदा क्या हुआ इसके साथ ट्रेडिंग करने का। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे आप थोड़ी सी अगर नजर डालें तो केआईबी ने इसको ऑलमोस्ट 1% फिल तो किया था, मतलब ऑलमोस्ट 100% फिल कर दिया है उन्होंने इसको। एनआईआई कैटेगरी ने तो इसको फुल भी नहीं किया दोस्तों, ओनली 0.19 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ। रिटेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये भी ओनली 1.09 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ, और टोटली अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो ओनली 0.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। मतलब आईपीओ के जो शेयर्स हैं पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, और पूरे तरह सब्सक्राइब नहीं हुए इसके कारण ये आईपीओ जो है मार्केट के अंदर इसको फ्लॉप माना जाएगा। तरीके से देख लीजिए फ्रेंड, अगली बार अगर आपको कहीं पे देखने को मिलेगी कोई आईपीओ फ्लॉप हो गया तो आपको ये देखना है कि स्टार हेल्थ आईपीओ जैसे देख लीजिए, ये आईपीओ इस तरीके से जो है फ्लॉप हो जाता है कोई भी आईपीओ। अब नेक्स्ट हमारी लिस्ट के अंदर जो आईपीओ आता है वो हमारा टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ। अब दोस्तों टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ काफी जबरदस्त जीएमपी आज के डेट में चल रही है टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ की। अब जैसे 430 रुपए की जीएमपी के साथ यहाँ पर हमको प्रॉफिट 14,190 रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। और अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ जो कि इसका सेकंड डे था, कल इसका सेकंड डे था, मतलब 2 दिसंबर को इसका सेकंड डे था वो सब्सक्रिप्शन, और आज 3 दिसंबर है तो मतलब आज इसका फाइनल डे है। मतलब आज लास्ट आपको 5 बजे से पहले पहले इसके अंदर अप्लाई करना है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो इसमें नहीं लगने वाली है। तो क्यूआईबी कैटेगरी अगर चेक किया जाए तो 3.35 टाइम्स काफी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी ने दिखाया है। एनआईआई कैटेगरी ने तो जबरदस्त देख सकते हैं 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, आज का पूरा दिन अभी बाकी है। रिटेल कैटेगरी ने भी 17 टाइम्स इसको ओवर सब्सक्राइब किया है, काफी बेहतरीन अपने आप में सब्सक्रिप्शन ये भी निकल के आ रही है। काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन दिखाई है इन्होंने, क्यूआईबी ने इसको इतना अच्छा सब्सक्राइब किया है एनआईआई ने, क्योंकि फंडिंग मिल रही है आईपीओ के अंदर, और टोटली देखा जाए तो 13.87 टाइम्स ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज इसकी लास्ट डेट, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे अप्लाई कर दीजिए। आपने अगर डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ताकि आपको इस जैसे बेहतरीन आईपीओ के अंदर जिसके अंदर 10 से लेकर 15,000 रुपए का प्रॉफिट आपको आज की डेट में दिखा रहा है उसमें आप अप्लाई कर सको, अपने अलॉटमेंट चांस बढ़ा सको। तो नीचे दिए गए लिंक से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अपस्टॉक्स के ऊपर काफी बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है अभी के टाइम पे, तो जल्दी से काम कीजिए, जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट के अंदर आईपीओ आता है वो है हमारा अडानी विलमार का आईपीओ। अब दोस्तों अडानी विलमार का आईपीओ मार्केट में अभी ओपन ही नहीं है सब्सक्रिप्शन के लिए, बट इसकी जो जीएमपी है वो काफी इंक्रीज हो चुकी है। अब इंक्रीज में किस संदर्भ में बता रहा हूं, क्योंकि जो प्रीवियस हमारा डाटा है तो प्रीवियस डाटा है उससे इंक्रीज हो चुकी है। जो हमारा प्रीवियस डाटा जैसे यहाँ पे 1890 के आसपास स्टार्ट हुई थी, 1890 के बाद में इंक्रीज होते होते ये जो हमारी 120 के आसपास गई थी, और अभी ये जो है 140 आ चुकी है, तो मतलब वापस इसके अंदर थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में आईपीओ आता है वो है आनंद राठी का आईपीओ। दोस्तों आनंद राठी आईपीओ की जीएमपी 130 रुपीज के अकॉर्डिंग चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है 3,510 रुपीज का। तो 3,510 रुपए का प्रॉफिट आपको आनंद राठी वेल्थ आईपीओ में देखने को मिल रहा है आज के डेट में। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें कि कितना सब्सक्राइब हुआ है आनंद राठी वाला आईपीओ, तो आप देख सकते हैं अभी इसका क्या है, 2 दिसंबर को इसकी थी हमारी फर्स्ट डेट, और आज जो है इसकी सेकंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन होने वाली है, मतलब कि आज का सेकंड डे है ओपनिंग का। तो देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी ने 0.01 टाइम्स इसको ओवर सब्सक्राइब किया है, एनआईआई कैटेगरी ने इसको 1.93 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, मतलब कि एनआईआई कैटेगरी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जो दिखा रही है। रिटेल कैटेगरी मेरे को लग रहा है जीएमपी के कारण यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स इसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब 2.5 गुना इसको ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ रिटेल कैटेगरी में। साफ साफ जीएमपी का कारण 203,000 रुपए जीएमपी प्रॉफिट दिख रहा है। हमारे रिटेलर्स तो आएंगे आएंगे, रिटेलर्स को जीएमपी दिखी और रिटेलर्स आए। आप क्या सोचते हैं आनंद राठी वेल्थ आईपीओ के बारे में? आज इसका सेकंड डे है, कल इसका लास्ट डे है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं नहीं करने वाले, कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह की कमेंट करते हो, बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हो, पता चलता है कि अभी आपके दिमाग में क्या है। देखते हैं कौन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, जरूर कमेंट करके बताएं। लास्ट जो हमारा आईपीओ है वो रेट गेन आईपीओ है दोस्तों, अभी तक ओपन नहीं हुआ रेट गेन आईपीओ, इसकी ओपनिंग जो डेट है वो थोड़ी लेट गई है, 6 के आसपास ओपन होने वाला है आईपीओ। तो रेट गेन जो आईपीओ उसकी जीएमपी देख सकते हो 140 रुपए की चल रही है, 140 के अकॉर्डिंग आपको 4,900 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो रेट गेन भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जीएमपी भी दिखा रहा है। देखते हैं कि इसकी सब्सक्रिप्शन इसकी कैसे रहने वाली है। दोस्तों जो जो आईपीओ यहाँ पर डिस्कस किए आप इन आईपीओ के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके मोटिवेट करो। वीडियो चैनल पर नए थे और सब्सक्राइब की नहीं किया तो सबसे गलत काम कर दिया आपने, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, करना है जरूर सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।